हेवन ऑन अर्थ। इस डेस्टिनेशन को ढूंढते हुए कई लोग अपनी सारी लाइफ निकाल देते हैं। कुछ लोग पूरी दुनिया घूम के भी इसे नहीं ढूंढ पाते और कुछ लोग अपने आसपास ही इसे पा लेते हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो ये बताती है कि कोई टाइम बेस्ट टाइम नहीं होता और कोई डेस्टिनेशन हेवन नहीं होती, बल्कि उसे हेवन बनाते हैं वहां के लोग और वहां का कल्चर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TIC में। मैं हूं आपका होस्ट गौरव। ईयर 1967, पंतनगर रेलवे स्टेशन पे सुबह के लगभग 6 बजे एक युवक हाथ में असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी का ऑफर लेटर लिए खड़ा था। ऑफर लेटर पे नाम लिखा था अमरनाथ मुखोपाध्याय। आंखों में सपने और मन में हेवन ऑन अर्थ को ढूंढने की चाह में शहर की भीड़ भाड़ से कोसों दूर प्रकृति की गोद पंतनगर में जब अमर ने अपने कदम रखे तो पाया एक ऐसी जगह को जो सारी अर्बन फैसिलिटी से वंचित है। दूर दूर तक ना कोई दुकान, ना कोई पिक्चर हॉल, ना कोई रेस्टोरेंट, लेकिन फिर भी पूरा भारतवर्ष और एशिया महाद्वीप इस पर गर्व करता है। कारण था पंतनगर में पढ़ रहे विद्यार्थियों का अनुशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के सख्त नियम कानून। आपको बता दूं कि भारत के अन्य विश्वविद्यालयों से अलग पंतनगर में फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए हर कोर्स में 85% अटेंडेंस होना जरूरी है। हिमालय की तलहटी में बसे पंतनगर में जुलाई से अगस्त में हैवी रेन के बावजूद डॉक्टर A.N. मुखोपाध्याय अपने विद्यार्थी जीवन से चली आ रही साइकिल को पकड़ते थे और निकल पड़ते थे लेक्चर हॉल की तरफ। और लेक्चर हॉल में संसाधनों की भारी कमी के बावजूद भी लगभग सभी विद्यार्थियों को लेक्चर हॉल में पाकर प्रोफेसर के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती थी। जब बात हो जिम्मेदारियां निभाने की और कर्तव्य निष्ठा की तो पंतनगर से ताल्लुक रखने वाला कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं हटता है। यही तो है पंतनगर कल्चर। जिस संस्थान की डोर एशिया कल्चर में रह रहे कई समर्पित कर्तव्यनिष्ठ जिम्मेदार साइंटिस्ट, टीचर्स और स्टूडेंट्स के हाथ में हो तो उस संस्थान का हरित क्रांति की जननी में बदलना स्वाभाविक ही तो है। डॉक्टर A.N. मुखोपाध्याय पंतनगर में बिताए अपने 33 वर्षों को मोस्ट रिवॉर्डिंग ईयर ऑफ माई लाइफ की तरह याद रखते हैं और पंतनगर को हेवन ऑन अर्थ। आगे चलकर उन्होंने विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड HOD, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। साथ ही साथ उन्हें आगे चलकर वाइस चांसलर ऑफ असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका श्रेय वो पंतनगर में बिताए डिसिप्लिन लाइफ, डिस्टिंक्ट कल्चर और यूनिक सिस्टम को देते हैं। तो हमने देखा हेवन ऑन अर्थ नाम की दुनिया में कोई स्पेशल जगह नहीं है, बल्कि जहां लोग हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्ज टू कंट्रीब्यूट इन नेशनल बिल्डिंग, डेडिकेशन और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए समर्पित होना, ऐसे विचारों को अपना जीवन मंत्र मानते हों, तो वो जगह खुद ब खुद ही हेवन ऑन अर्थ बन जाती है। और ऐसी ही एक जगह है पंतनगर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें starsofpantanagar@gmail.com पर जरूर संपर्क करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।